हमारा जो जैकी है ना वो वापस आ गया है और इस पर एक इंजेक्शन लगाया तो डॉक्टर ने बोला इसमें थोड़ा इन्फेक्शन टाइप का हो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, नमस्ते गढ़वा ब्लॉग्स, और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की सुबह ना हो रही है लेकिन मैं खेत में जा रहा हूँ तो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहाँ पे कितने खूबसूरत से फूल हो रखे हैं, एक मतलब बिल्कुल लाइन जैसी बना रखी है। तो ये वाला हमारा खेत है और इसके मेंड पे जो है काफ़ी खूबसूरत से फूल हैं, पहले आपको इनको दिखाते हैं। तो ये वाला सीन आपको कैसा लगा, तो वो हमारा खेत था पीछे और ये वाला भी हमारा ही खेत है और उसके मेन पे ना पूरे जो मैंने बोले थे जंगली प्याज के फूल तो वो रखे हैं। और उसके अलावा आजकल आप खेतों में जाओगे सबने हल लगा दिए, सबने रोपाई की तैयारी कर ली है, लेकिन हमने अभी हल नहीं लगाई है, हमें लगाने में कुछ दिन और है, कुछ दिन बाद लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पहाड़ों में जो रोपाई होती है वो सीरियल वाइज होती है, मतलब जैसे पिछले साल सबसे फर्स्ट की होगी उसकी इस साल सबसे लास्ट होगी, तो हमने पिछले साल सबसे फर्स्ट की थी तो हमारी इस साल सबसे लास्ट है। और वैसे ही नहर का पानी भी मिलता है, जैसे कि जिसका मतलब पिछले साल सबसे पहला पानी रहा होगा उसका इस साल सबसे लास्ट होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऐसा होता है पहाड़ों में। और अभी मैं जा रहा हूँ नवाड़ू, तो नगवाड़ू क्या है ना हमारे खेतों के नाम रखे हुए हैं, हम खेतों को डिवाइडेड करते हैं उनके नाम से, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है कि घर वाले कहाँ पे हैं, कौन से खेतों में हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं जो खेतों को है वो डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे मम्मी आ रही है तो मम्मी को पूछना है कि घर के लिए सामान क्या क्या लाना है, क्योंकि भैया जो है वो मार्केट गया हुआ है, तो आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है तो मार्केट जो है ना 10 बजे तक ही खुला रह रहा है, तो पहले ये काम करता हूँ क्योंकि वो अभी अभी जस्ट घर से निकला है 9 बजे और शायद उसको टाइम भी लग जाएगा मार्केट जाना है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी जा रहा है। तो उसने बोला कि सबसे पहले जाके मम्मी को पूछ सामान क्या लाना है और उसके बाद आगे का वीडियो बनाते। कि मैं अपने खेत पे आया हूँ और ये देखो हमने जो बीज बोया था वो बड़ा हो चुका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है अलग अलग हो रखा है, मतलब कम हो रखा है, इसको घना होना चाहिए था लेकिन ये इतना घना हुआ नहीं है, दूर दूर हो रखा है तो कम है बीज। और मम्मी भी वही बोल रही है, तो मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है बीज की जो है निराई गडाई कर रही है। और ये देखो तो ये बीज में घास हो रखी है, कितनी ज़्यादा हो रही है अतिरिक्त घास, तो मम्मी ने कुदाल से ये सारी निकालनी है, उसके बाद क्या पता बीज थोड़ा घना हो जाए, ऐसा होता है ऑब्वियसली कहीं बार, तो इस बार भी क्या पता हो जाए ऐसा, तो देखेंगे और वेट करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। खेत में आया था और मम्मी से पूछ भी लिया, तो अब चलते हैं घर। और जो हमारे ये खेत है ना यहाँ से आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है हमारे जो सारे पूरा गांव दिखाई देता है और सबके खेत ज़्यादा यहीं हैं और सबने यहीं पे बीज डाला रहता है, तो सबके खेत दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा दिखाई देता है और यहाँ से हमारा गाँव भी दिखाई देता है कितना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये है हमारा गाँव, तो ये फैला है यहाँ से जो ये बड़ा वाला पेड़ है यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक इधर इन पेड़ों के पीछे, और ये देखिए ये सबके हमारे गांव वालों के खेत हैं, तो कितने खूबसूरत से है ना। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये है लोगों के भी यहाँ पे बीज हैं, तो हमारे गांव वालों ने सारे यहीं पे धान डाली हुई है ये वाली, और इस वाली में देखो इस वाली में तो बिल्कुल हो ही नहीं रखी है, इन्होंने ना उस टाइम पर ज़्यादा पानी जो है खेत में लगाया था तो इस वजह से नहीं हुआ, और यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा कम हो रखा है और सामने भी कम ही दिखाई दे रहा है मुझे, इस बार बारिश भी बहुत हुई है लेकिन उसके बावजूद भी इतना कम क्यों हो गया पता नहीं,
उसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी मैं हूँ और रोड पे जा रहा हूँ, और क्यों तो वो भी आपको बताते हैं। जो मेरा कुत्ता है ना, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो मैंने भैया को बताया था कि ऐसा हो रहा है, और वो इसको लेके जा रहा है हॉस्पिटल, तो इसके लिए दवाई लाएंगे और आपको दिखाते हैं। कहाँ है हमारा कुत्ता, भाग रहा है बहुत। ये देखो, ये है जैकी, और इसको लेके जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। मैं नहीं जा रहा, शायद भैया ही जाएगा। अभी मैं, मेरा भाई और हमारा कुत्ता जा रहा है। तो ये है हमारे पास का, सबसे पास का पशु हॉस्पिटल, और इसको लेके जाते हैं, इसकी प्रॉब्लम बताते हैं, इसको क्या हो रहा है। और मुझे इतनी ज़ोर से खींच रहा है कि कहीं मैं इसी के साथ ना फिसल जाऊँ नीचे। अरे रुक जा जैकी। तो हमारा जो जैकी है ना, वो वापस आ गया है, और इस पर एक इंजेक्शन लगाया, तो डॉक्टर ने बोला इसमें थोड़ा इन्फेक्शन टाइप का हो रहा था, तो उसके लिए दवाई दवाई कुछ नहीं थी, केवल एक इंजेक्शन लगाया, और इसके जो बाल झड़ रहे थे ना, वो सारे ठीक करवाए। हमारे कुत्ते पे कुत्ता हमला करने आया था, और हमने उसे बचा लिया, तो काट ही लेता आज जिसे, क्योंकि हाइट भी छोटा है और वो बहुत बड़ा कुत्ता था, तो इसलिए चलो बच गया। और अब इसको लेके चलते जल्दी से घर, खाना भी बनाना है, लेट भी हो गया, और अब फिर से कुत्ते को लेके आना है 7 दिन बाद। 7 दिन बाद नेक्स्ट डोज लगेगा इस पर, नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा, फिर बोल रहे हैं पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये तो पहुँच ही गया घर, और बाइक में जो इसने परेशान किया ना, मतलब बिल्कुल कूदने के लिए तैयार था, और अब देखो कितना खुश हो चुका है कि मैं रास्ते पे पहुँच चुका हूँ और मुझे गाड़ी से छुटकारा मिल चुका है। तो इसी चीज़ का ये वेट कर रहा था शायद। जाके जा, आ आओ अगर आएगा नहीं अब, डर गया, बाल भी बिल्कुल अजीब हो गए, और कुत्ता भी घर भाग गया, मतलब तो इतनी तेज़ तेज़ भाग रहा है ना कि मुझे कहीं दोबारा से उठा के बाइक पे ना ले जाए और दोबारा से इंजेक्शन ना लगाए। तो मतलब तो मैं वहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कुत्ता पकड़ना था, और ये डॉक्टर को काटने के लिए भी कर रहा था, और बहुत डर भी रहा था, तो उस पर फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगाया ना, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और फिर से मौसम देखो कैसा हो गया, तो बादल लगने के लिए हो गया है खतरनाक, आवाज़ें भी देखो कितनी भयानक कर रहा है, गर्जना है कर रहा है। अब घर चलते हैं, खाना देखते हैं बनाया है या नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया तो खाना बनाते हैं। दिन दोपहर में देखो मौसम का हाल क्या हो गया, और आज ऐसा लग रहा है जैसे सारे आसमान के बादल नीचे आ गए, और ये वाला बादल देखो कितना तेज़ भागा जा रहा है, पता नहीं इसको कहाँ जाने की जल्दी हो रही है, और सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और मैं घर पे बैठा खाली देख ही रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है, उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। और मेरे पता नहीं फ़ोन के जूम को भी क्या हो गया है, अभी तो ठीक काम कर रहा था। और ये देखो कम से कम ये बारिश 1-2 घंटे से लगी हुई है लगातार, उस टाइम से रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम आ गया होगा। क्या होगा यार, शाम का टाइम हो गया है और बारिश भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो जिस टाइम दिन में बारिश लगी थी उसके बाद से अभी तक जो है ना बारिश रुकी नहीं है, और लगातार बारिश लगती जा रही है। तो शाम का टाइम है, और अब
अब देखो कहाँ जाना है यार इस बारिश में। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ, नए नए ब्लॉग्स के साथ। हमारे जो कमरों के जो मोर है ना, मोर संगार, तो छोटे हो गए दरवाजे। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ, नए नए ब्लॉग्स के साथ, नए नए कल्चर के साथ, और बने रहे नमस्ते गढ़वाल फैमिली के साथ। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। बाय दोस्तों।